असलम आई एम हम मातुफे ऑन द बिहाफ ऑफ आई वेलकम में हम प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसमें अंडर मल्टीप्लीकेशन में वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन में क्या है जी अगर आपके पास दो रैंडम नंबर्स हैं इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स न ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए कि आप दोनों नंबर्स को जिस मर्जी सीक्वेंस के साथ जिस मर्जी नंबर को पोजिशन जहाँ मर्जी रख के उनको मल्टीप्लाई कर दें तो उनका प्रोडक्ट जो होगा दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए जो है वो फाइव है एंड बी इक्वल्स फोर तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए अगर हम चेक करेंगे ए की वैल्यू है हमारे पास फाइव एंड बी की वैल्यू है फोर और बी की वैल्यू फोर और ए की वैल्यू है फाइव यहां पे फाइव को अगर मैं फोर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आंसर मेरा ट्वेंटी आएगा फोर को फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरा आंसर ट्वेंटी आएगा तो इस सिचुएशन में आंसर जो है वो सेम है ये है आपकी कॉम्पोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन इसके बाद आती है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी असोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन असोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर तीन नंबर्स आपके पास हैं तो उनको आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं और उनका आंसर क्या आता है इसमें ये है कि इफ ए बी एंड सी आर थ्री नंबर्स देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस मीन्स मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी तो अगर आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो होगा इक्वल होगा अगर आप बी और सी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ थ्री बी मेरे पास आ जाता है फाइव और सी मेरे पास आ जाता है सेवन तो इनका आंसर क्या आएगा मेरे पास है सिचुएशन ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी वैल्यूज पुट करते हैं ए की वैल्यू थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवन इक्वल्स टू थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवन तो आंसर क्या आ जाती है फाइव थ्री आर फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय सेवन थ्री इन फाइव सेवनजार थर्टी फाइव फिफ्टीन को जब सेवन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है वन जीरो फाइव तो जब थर्टी फाइव को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है वन जीरो फाइव इसका मतलब यह है कि दोनों सिचुएशंस में आंसर आपका सेम आता है यह है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में ये है कि आपके पास कोई भी नंबर है जब आप उसको वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वन के साथ मल्टीप्लाई करने पे उसकी प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट नहीं होता और उसका आंसर एज ओरिजिनल नंबर ही आ जाता है फॉर एग्जाम्पल यहां पे है कि इफ यू हैव ए इज अ नंबर देन ए मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल्स ए फॉर एग्जाम्पल सेवनटीन मल्टीप्लाई बाय वन इक्ल्स सेवनटीन ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय वन इक्ल्स ट्वेंटी नाइन्टीन मल्टीप्लाई बाय वन एक नाइनटीन टू हंड्रड मल्टीप्लाई बाय वन इक्ल्स टू हंड्रेड तो ये है आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के किसी नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई करने पे उसकी प्रॉपर्टीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं होता और वो सेम आइडेंटिटी के साथ ही आपके पास रिजल्टेंट आ जाती है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है इनवर्स मल्टीप्लीकेशन में आपके पास होता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक नंबर है फाइव आप ये कंसीडर करते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर है और उसको आप इन्वर्स देखना चाहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स होता है कि आप उसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर वन आ जाए तो आपके पास ये फाइव है इसको जब आप वन ओवर फाइव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर यहां पे वन आ जाता है वो कैसे ये कैसे वन आता है जी कि फाइव को आप वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाई फाइव करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास फाइव ओवर फाइव तो फाइव को जब आप डिवाइड करते हैं फाइव वन आर फाइव तो आंसर हमारे पास आ जाता है वन आ गया इफ ए इज अ नंबर देयर एग्जिस्ट अ नंबर Such that a मल्टीप्लाई बाय वन ओवर ए इक्वल्स वन ठीक है तो जो एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे दी है कि इसी तरीके से हम जब किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है वन आ जाता है इसके बाद है जी जीरो प्रॉपर्टी जीरो प्रॉपर्टी जैसे हमें नाम से पता चलता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर ए है इफ ए इज अ नंबर देन, ए मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल्स जीरो कि ए जो है अगर हम उसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आपका कोई भी नंबर है तो जब आप उसको जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जीरो आ जाता है फॉर एग्जाम्पल टू मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो टू थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो वन लैक मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो तो जीरो जो है आपके पास एक ऐसा नंबर है जब आप उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे के सारे डिजिट को जीरो कर देता है तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये पता चलता है कि जीरो को जब हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जीरो आ जाता है जिसको हम जीरो प्रॉपर्टी बोलते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन इसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपके पास तीन नंबर हैं जैसा कि इफ ए बी एंड सी आर थ्री नंबर्स देन ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी इसका मतलब यह है कि ए अगर मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ तो आपने क्या करना है ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करना है उसके बाद आपने ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको आपने अप कर देना है फॉर एग्जाम्पल ए है आपके पास फाइव बी है टेन और सी है फिफ्टीन तो कैसे हम करेंगे जी फाइव इंटू टेन प्लस फिफ्टीन इक्वल्स फाइव इंटू टेन प्लस फाइव इंटू फिफ्टीन फाइव ये जब दो नंबर्स के दरमियान में ये मतलब ब्रैकेट और नंबर के दरमियान में कोई भी आपके पास साइन नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिखा है फाइव को वैसे रहने देंगे टेन और फिफ्टीन को प्लस किया है तो ये आ जाता है ट्वेंटी फाइव फाइव को टेन के साथ मल्टीप्लाई किया फिफ्टी और फाइव को फिफ्टीन के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा आ गया सेवन ट्वेंटी फाइव को फाइव के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया हमारे पास वन ट्वेंटी फाइव और फिफ्टी में जब हमने सेवनटी फाइव प्लस किए तो आंसर आ गया हमारा वन ट्वेंटी फाइव इसका मतलब आंसर दोनों सिचुएशन में सेम है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपका एक नंबर number, दो नंबर्स के सम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपको एज एन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपको आईने की तरह होती है कि आपको जो ओरिजिनल नंबर है उसका अक्स दिखाई देता है वो क्या है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर ए एक नंबर है तो ये नंबर सिर्फ अपने ही नंबर के इक्वल होगा ए किसी भी सूरत में बी के इक्वल नहीं होगा मतलब कि वन इज इक्वल टू वन वन इज नॉट इक्वल टू टू और एनी अदर नंबर ठीक है जी ये है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसके बाद है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या कहती है जी अगर ए इक्वल्स है B के और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी तो अगर आपके पास ए जो है वो आपके पास बी के इक्वल है मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है तो इसी तरीके से दूसरा नंबर आपके पहले नंबर के इक्वल होगा हर सूरत हाल में जब आपका ए जो है वो बी के इक्वल है तो बी बी ए के इक्वल होगा ये है आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के जब आपका एक सिचुएशन में एक नंबर जो है वो दूसरी सिचुएशन में किसी भी तरीके से चाहे वो नंबर आया है वो उसके इक्वल है तो दूसरा नंबर पहले नंबर के इक्वल होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे कह दूं कि अगर थ्री प्लस टू इक्वल्स फाइव है जो कि हमारे पास है ए के इक्वल और फोर प्लस वन इक्वल फाइव है जो कि इक्वल है बी के तो इन दोनों सिचुएशन में ये सिचुएशन वन है ये सिचुएशन टू है तो सिचुएशन वन और टू के मुताबिक ए हमारा बी के इक्वल है और बी हमारा ए के इक्वल है ये है आपकी स्मिट्रिक प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर ए बी और सी तीन नंबर्स हैं और ये तीनों नंबर्स जो हैं इस तरीके से हैं कि ए आपका बी के इक्वल आ गया है और बी आपका सी के इक्वल आ गया है अब आप देखें कि जब ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है इसका मतलब कि जब पहला नंबर दूसरे के और दूसरा नंबर तीसरे के इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि इन रिटर्न आपका पहला नंबर भी तीसरे नंबर के इक्वल होगा इसके लिए आप सिचुएशन बना लें कि पहली सिचुएशन आपके पास आ जाती है थ्री प्लस टू इक्वल फाइव जिसको आप ए कह देते हैं दूसरी सिचुएशन में फोर प्लस वन इक्वल फाइव जिसको आप कह दें बी और तीसरी सिचुएशन आप कह दें कि आपके पास है सिक्स माइनस वन इक्वल फाइव ये आपके पास तीसरी सिचुएशन है अब यहाँ पे आंसर तो तीनों का सेम आ रहा है इसका मतलब ये है कि जब ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के तो ए बी इक्वल है सी के कि अगर ये इसके इक्वल है और ये जो है इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ए जो है ये सी के इक्वल है ये है जी आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन